हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास टेन मैथ चैप्टर वन एक्सरसाइज वन पॉइंट वन बच्चे इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज वन पॉइंट वन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे जो इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे और लास्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स और सेवन को सॉल्व करेंगे बच्चे जो एक्सरसाइज वन का जो नोट्स है ना वो आप लोग को क्या होगा जो इसका लास्ट वीडियो आएगा ना क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स और सेवन उस वीडियो के एंड में ना आपको क्या होगा एक्सरसाइज वन का आप लोग को नोट्स प्रोवाइड होगा तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं एक्सरसाइज वन स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है तो देखिए बच्चे चैप्टर का नाम क्या है ये है रियल नंबर चैप्टर वन क्या है बच्चे चैप्टर वन है रियल नंबर तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि रियल नंबर होता क्या है हम लोग ना डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के बारे में सीखेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछता चलो बच्चों काउंटिंग सुनाओ सुना बोलोगे सर काउंटिंग वन टू थ्री फोर फाइव करके सर ऐसे ही जाते रहेगा तो बच्चे याद रखिए जो आप काउंटिंग नंबर सुनाए हो ना अभी उस काउंटिंग नंबर को हम लोग बच्चे बोलते हैं नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं हम लोग हम लोग उस नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर बोलते हैं याद रखो नेचुरल नंबर का ही दूसरा नाम नाम है बच्चे काउंटिंग नंबर क्या नाम है काउंटिंग नंबर नाम है ठीक है ना तो बच्चे जैसे कोई बोलेगा ना कि सर क्या वन थाउजेंड वन नेचुरल नंबर है तो मैं मैं बोलूँगा ना कि हाँ बच्चे वन थाउजेंड वन का है बच्चे नेचुरल नंबर है ठीक है मैं कोई कोई बोलेगा सर फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एटी नाइन क्या क्या नेचुरल नंबर है तो मैं बोलूँगा कि हाँ बच्चे ये क्या है नेचुरल नंबर है तो याद रखो बच्चों नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट स्टार होता है वन से स्टार्ट होता है ठीक है ना अब मैं बोलूँगा ना कि ना अगर मैं इसी नेचुरल नंबर में अगर मैं इसी नेचुरल नंबर में जो नेचुरल नंबर है ना अगर इसी नेचुरल नंबर में मैं मैं क्या करता हूँ जीरो भी एड करता हूँ जीरो भी ऐड करता हूँ तो जो बच्चे जो नंबर मिलेगा ना उस नंबर को हम लोग बोलते हैं होल नंबर क्या बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं कोई पूछे ना कि ना ऐसा एक नंबर बताओ जो कि नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन वो होल नंबर है तो बच्चे जीरो जीरो ऐसा नंबर है ना जो नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन वो क्या है होल नंबर है ठीक है ना कोई बोलेगा कि सर क्या सिक्स फाइव सेवन एट नाइन एक होल नंबर है तो हाँ बच्चे ये होल नंबर भी है ये नेचुरल नंबर भी है वन होल नंबर भी है वन नेचुरल नंबर भी है जीरो ओनली 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 होल नंबर है नेचुरल नंबर नहीं है तो बच्चे याद रखिए ना नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से और होल नंबर को डिनोट करते हैं हम लोग बच्चे डब्ल्यू से ठीक है ना नेक्स्ट नंबर क्या होता है अगर हम लोग इस आ, ये जो होल नंबर है इस होल नंबर में अगर, हम लोग नेगेटिव नंबर भी ऐड कर देते हैं नेगेटिव नंबर भी अगर हम लोग ऐड कर देते हैं ना तो जो नंबर मिलता है ना हम लोगों को उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे उस नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर क्या बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं इंटीजर और इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे डब्ल्यू जेड से रिप्रेजेंट करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और याद रखिए ना बच्चे इंटीजर में ना बच्चे कोई बोले ना कि बताओ नेगेटिव इंटीजर कौन सा है तो बच्चे जो भी नेगेटिव नंबर लिखा है ना उस नंबर

ठीक है अब अब देखिए अगर इसी अब मैं क्या क्या करूँगा अगर अब मैं इसी इंटीजर में अगर मैं डेसिमल नंबर भी ऐड कर दूँ डेसिमल नंबर भी ऐड कर दूँ ठीक है ना माइनस एट पॉइंट सिक्स वन सेवन ठीक है या फिर है बोलूँगा कि माइनस सिक्स फाइव थ्री पॉइंट नाइन या फिर जीरो या फिर थ्री या फिर माइनस सिक्स बाय नाइन ठीक है तो बच्चे इन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे इन इन सभी नंबर को हम लोग बोलते हैं बच्चे रैशनल नंबर क्या बोलते हैं रैशनल नंबर बोलते हैं और रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं बच्चे क्यों से डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं क्यों से डिनोट करते हैं अब क्वेश्चन आएगा ना सर कि सर ट्वेंटी टू बाई सेवन देखिये ट्वेंटी टू बाई सेवन जो कि पाई का वैल्यू होता है ना बच्चे ये भी क्या है एक रैशनल नंबर है और पाई का वैल्यू ही थ्री पॉइंट वन फोर भी होता है ये भी क्या है बच्चे एक रैशनल नंबर है ठीक है ना तो बच्चे इन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं रैशनल नंबर बोलते हैं रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है जैसे कोई मैं बोलूँ कि सर क्या माइनस फाइव बाई नाइन रेशनल नंबर है बच्चे रेशनल नंबर है कोई कोई बोलेगा क्या सर नाइन रेशनल नंबर है बच्चे नाइन रैशनल नंबर है ठीक है बच्चे तो रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई टू के फॉर्म में लिख सकते हैं मैं आप लोग एक बार तुरंत रिवीजन करवा दूं अगर मैं क्या करूंगा अगर मैं इस नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दूंगा तो वो बन जाएगा होल नंबर अगर मैं इसी होल नंबर में माइनस वाला नंबर भी ऐड कर दूंगा तो वो बन जाएगा इंटीजर अगर मैं इसी इंटीजर में इसी इंटीजर में अगर मैं डेसिमल नंबर भी ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा वो रैशनल नंबर बन जाएगा आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा अब अब देखिए ना बच्चे अब देखिए ना अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब अब मैं क्या करूंगा अगर मैं इसी रैशनल नंबर में इसी रैशनल नंबर में इसी रैशनल नंबर में अगर मैं क्या क्या कर दू कहीं बार मैं लिख दू रूट फाइव या लिख दू रूट नाइनटीन या लिख दू पाई तो बच्चे जो नंबर रेडी होगा ना जो नंबर रेडी होगा उस नंबर को मैं बोलूंगा यहाँ पर रियल नंबर बोलूंगा क्या बोलूंगा मैं रियल नंबर बोलूँगा और इसी रियल नंबर को हम लोग से रिप्रेजेंट करते हैं किस रिप्रेजेंट करते हैं से रिप्रेजेंट करते हैं कोई बोलेगा सर क्या सिक्स रियल नंबर है हाँ बच्चे सिक्स रियल नंबर है कोई बोलेगा माइनस सेवन बाय एट पॉइंट वन नाइन क्या रियल नंबर है हाँ बच्चे रियल नंबर है कोई बोलेगा माइनस सिक्स हां बच्चे रियल नंबर है कोई बोलेगा ना कि थ्री पॉइंट वन फोर डैश 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 मतलब इसका मतलब यह है ना कि ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है आगे जा ही रहा है तो भी बच्चे क्या है ये रियल नंबर है तो भी क्या है बच्चे रियल नंबर है तो याद रखिए बच्चे इन सभी नंबर को इन सभी नंबर को इन सभी नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर तो रियल नंबर क्या होता है बच्चे रियल नंबर कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर याद रखिए जो रियल नंबर है ना बच्चे वो कॉम्बिनेशन है किसका किसका तो रियल नंबर बच्चे कॉम्बिनेशन है रैशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर का इ रैशनल नंबर का क्या है बच्चे ये कॉम्बिनेशन है इतना याद रखिएगा रियल नंबर बच्चे कॉम्बिनेशन है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का तो बच्चे यही है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है तो मैं फिर से बता दूं आप लोग को कि नेचुरल नंबर

देखिए बच्चे रियल नंबर जानने के बाद अब हम लोग सीखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट जो इसमें दिया हुआ है तो पहला थ्योरम जो है ना इस चैप्टर में दिया हुआ है सबसे पहला थ्योरम क्या है बच्चे थ्योरम 1.1 ये क्या बोल रहा है बच्चे तो थ्योरम 1.1 है बच्चे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता क्या है बोलता यह है ना कि एवरी कंपोजिट नंबर कोई भी कंपोजिट नंबर है कंपोजिट नंबर क्या होता है सर पहले वो तो बताओ कंपोजिट नंबर मतलब होता है ऐसा नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर हो द नंबर हैव हैव मोर मोर देन देन टू टू फैक्टर फैक्टर द नंबर कोई ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं ना उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर सर ये फैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चे ये देखिए कुछ नहीं सिंपल सा मैं मैं बोलूंगा ना कि वन सेवन सेवन वन क्या एक कंपोजिट नंबर है तो बोलोगे यस सर ये कंपोजिट नंबर है क्यों तो क्योंकि देखिए इसके वन टू थ्री

ऐज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर तो देखिए ना कंपोज़िट तो नंबर है इसको आप देखिए प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में क्या क्यों रिप्रेजेंट मतलब कि हो प्राइम नंबर मतलब थ्री प्राइम नंबर है तो इसको आप क्या हो प्राइम नंबर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट किए हो देखिए मल्टीप्लाई मतलब करके क्या आप इसको हो, तो आगे बोला जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक और यूनिक है थ्री मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री आप करोगे ना तो बच्चे ये 5, 3, 1, 3 का ही होगा मैं अगर बोलू ना कि वन सेवन सेवन वन सेवन सेवन

मल्टीप्लाई इलेवन मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई सेवन मतलब कि इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन जो प्राइम फैक्टर है वो इसी नंबर के रहेंगे ना कि आप इसको कर दो ना थ्री मल्टीप्लाई इलेवन मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू फाइव थ्री वन थ्री तो बच्चे यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये सिंपल सा बोलता ये है ना कि कि कोई भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में बस इतना ही समझिए तो यही है बच्चे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आगे देखिए क्या क्या बोला जा रहा है आगे भी यही है यहाँ पर लिखा हुआ कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना किसी भी नेचुरल नंबर का वो क्या होता है यूनिक होता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर ऑर्डर मतलब कि उसका पोजिशन आगे पीछे हो सकता है इसका पोजिशन आगे पीछे हो सकता है लेकिन वो होगा किसी एक ही नंबर का किसी एक ही नंबर का होगा और वो यूनिक होगा क्या होगा यूनिक होगा ठीक है तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चे यही है कि एक्सप्रेस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ़ इट्स प्राइम फैक्टर तो 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 कैसे इसको सॉल्व सॉल्व करेंगे आप आप को करके मैं समझाता तो देखिए बच्चे पहला क्वेश्चन क्या पहला क्या है 140 है ना तो का करोगे सबसे पहले निकालोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो यहां पर लिखोगे ऐसे करके 140, 140, ये, टू के में अगेन थर्टी फाइव जो होता है बच्चे वो फाइव के टेबल में आता है सेवन टाइम्स में और जो सेवन है बच्चे वो सेवन टेबल में आता है टाइम्स में तो आप बोलोगे ना कि वन फोर्टी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन अब यहां ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ टू ना टू टाइम्स है टू टू टाइम्स है तो यहाँ पर टू टू तो टू लिख दो मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा

मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थर्टीन यहाँ टू बच्चे टू टाइम्स है, तो उसके ऊपर पावर टू लगा देंगे और यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई थर्टीन ये बच्चे क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बच्चे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ऑर्थमेटिक यही बोलता है ना कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चे देखो इतने को मैं 140 के लिए ही रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं 156 के लिए इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता तो यही बच्चे क्या है ये यूनिक है ये क्या है यूनिक है ये इसके लिए नहीं होगा ये केवल होगा तो होगा किसके लिए वन के लिए होगा ये ये बच्चे बोलने का मतलब ठीक है ना थर्ड देखिए थर्थ थर्ड क्या है बच्चे थ्री तो बच्चे इसका सबसे निकालोगे प्राइम फैक्ट्राइजेशन निकालोगे तो बोलोगे

अब बच्चे क्या करते ना हम लोग हमेशा याद रखिए हम लोग हमेशा ना पहले जो जो छोटा प्राइम नंबर होता है ना उसको पहले लिखते हैं तो यहाँ पर लिख दो थ्री का पावर टू मल्टीप्लाई फाइव का पावर टू मल्टीप्लाई सेवनटीन बच्चे लिखोगे ना तो भी आंसर करेक्ट है कोई रॉन्ग नहीं कर सकता आपका ठीक है ना यहाँ पर लिखोगे तो भी सही है ना आ, आ, आगे फाइव थाउजेंड फाइव है तो इसका पहले निकाल लो तो आप बोलोगे कि फाइव थाउजेंड फाइव है फाइव थाउजेंड फाइव ये बच्चे फाइव के टेबल में आएगा ना फाइव वन जा फिर ये टेबल में आएगा सेवन वन जैसे सेवन थ्री जीरो सेवन फोर जा ट्वेंटी एट फिर टू सेवन थ्री जा ट्वेंटी सेवन फिर ये इलेवन uh, टेबल में आएगा इलेवन वन जा इलेवन इलेवन थ्री जा थर्टी थ्री फिर ये थर्टीन टेबल में थर्टीन वन जा थर्टीन तो जब आप इसका करोगे ना तो आपको पता चले पता चलेगा ना कि यहाँ पर फाइव मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई इलेवन मल्टीप्लाई थर्टीन इसका कुछ बन नहीं रहा है मतलब कि इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे प्यारा सा आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए सेवन फोर टू नाइन है तो सेवन फोर टू नाइन है ना, तो यहाँ पर इसका भी निकालेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सेवन फोर टू नाइन सेवन फोर टू नाइन तो देखिए ना बच्चे ये जो नंबर है ना ये पहले आएगा किसके टेबल में ये आएगा पहले सेवनटीन के टेबल में तो 17 के टेबल में करोगे ना तो सेवनटीन वन जा सेवनटीन सेवन टू जा थर्टी फोर सेवनटीन थ्री जा फिफ्टी वन सेवनटीन फोर जा सिक्सटी एट फोर टाइम्स में सिक्सटी एट आएगा जब सेवन फोर फोर में एट को माइनस करोगे ना बच्चे तो सिक्स आएगा तो सिक्स और टू मिलकर सिक्सटी टू हो जाएगा तो सेवनटीन थ्री जा फिफ्टी वन होता है फिफ्टी वन से जब सिक्सटी टू को माइनस करोगे ना तो सॉरी सिक्सटी टू से जब फिफ्टी वन को माइनस करोगे तो बच्चे आएगा इलेवन और इलेवन और नाइन हो जाएगा वन हंड्रेड नाइनटीन और सेवनटीन सेवन जब बच्चे वन हंड्रेड नाइनटीन होता है ठीक है फिर ये किसके टेबल में आएगा बच्चे ये आता है नाइनटीन के टेबल में नाइनटीन into 2038 38 जब रिमाइंडर लोगे ना तो इसमें 38 तो 5 आ जाएगा 5 और 7 मिलके 57 हो जाएगा तो 57 ना तो 19 3 जा, 19 3 जा, 57 फिर इसके बाद 23 के टेबल में आएगा ये 23 1 टाइम्स में आएगा तो आप बोलोगे कि ये नंबर जो है ना बच्चे इसको नंबर को बोलोगे कि ये 17 multiply 19 multiply 20 है तो 23 है तो बच्चे ये किसी और के टेबल में आत तो मतलब की ज्यादा सिंपलीफाई नहीं हो सकता तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे प्यारा सा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है तो क्वेश्चन नंबर है बच्चे फाइंड द एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर जो भी यहाँ पर इंटीजर्स दिए हुए हैं और वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एच प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है तो बच्चे याद रखिएगा ना इस फॉर्मूले को याद रखिएगा इस फॉर्मूले को याद रखिएगा ये आपके थर्ड और फोर्थ में काम आएगा ये तो अभी तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट तो देखिए ना बच्चे सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ट्वेंटी सिक्स एंड नाइन्टी वन है तो अब क्या करेंगे यहाँ ट्वेंटी सिक्स का आप यहाँ पर निकालेंगे factorization ना प्राइम फैक्ट्राइजन प्राइवेट तो थ्री न ट्वेंटी सिक्स ना सर के टेबल में आता है थर्टीन टाइम्स में और सर थर्टीन न सर थर्टीन के टेबल में आता है वन टाइम्स में तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ट्वेंटी सिक्स का हो जाएगा सर टू मल्टीप्लाई थर्टी अब सर नाइन्टी वन का तो 91 वन का बोलोगे सर सिमिलरली ऐसे ही बोलोगे ना नाइन्टी वन का सर 91 वन न सर सेवन टेबल में आता है तो सेवन वन 7 सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन फिर सर 13 ना सर थर्टीन के टेबल में आता है वन टाइम्स में तो यहाँ पर बोलोगे सर ये हो जाएगा सेवन मल्टीप्लाई थर्टीन अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर एल सी एम तो आप बोलोगे सर कि ना एलसीयम में ना बच्चे आपको पहले मैं ये बता दूँ ना ये बता दूं ना कि ना पहले मैं दे रहा हूँ आपको ना कि सर एलसीयम में ना हम लोग बच्चे उस नंबर को चूज करते हैं जिस नंबर का ना मैक्सिमम पावर हो मैक्सिमम पावर हो मैक्सिमम पावर हो तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टू है तो यहाँ पर टू कहीं पर भी नहीं है तो टू का मैक्सिमम पावर क्या है क्या वन है तो टू को चूज कर लेंगे यहाँ पे थर्टीन है तो थर्टीन यहाँ पर दोनों जगह है तो दोनों में से किसी एक नंबर को चूज करेंगे और उसको चूज करेंगे जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो जिसका मैक्सिमम पावर हो तो बोलो सर यहाँ पर भी पावर वन है पावर वन है तो तो, सर किसी को भी चूज करिए तो यहाँ पर थर्टीन और यहाँ फिर यहाँ पर सेवन की बारी तो सेवन को सेवन चूज कर लेंगे तो टू मल्टीप्लाई थर्टीन करोगे तो बच्चे तो आता है ट्वेंटी और ट्वेंटी को जब सेवन से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा सिक्स सेवन जब फोर्टी कैरी तो यहाँ आ गया वन एटी टू आ गया अब एस सी एफ एस सी एफ ना बच्चे हम देखो ना इसके नाम में छुपा हुआ कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर हम चूज कर इसमें से कॉमन फैक्टर तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में कॉमन तो बोलो सर दोनों में ना थर्टीन कॉमन दिख रहा है और याद रखिए हम लोग उस फैक्टर को चूज करते हैं जिस जिस पर पावर क्या हो सबसे कम हो सबसे कम हो सबसे कम हो तो दोनों में पावर क्या सबसे कम किस पे है पावर पावर कम दोनों पे एक, एक है तो किसी को भी चूज कर लो तो यहाँ पर थर्टीन आपका हो जाएगा एच क्या हो जाएगा एस ठीक है देखिए ना तो यहाँ पर मैं बताना ये चाह रहा था कि जब भी हम लोग ना एल्सीम लेते हैं ना जब भी हम लोग एल्सीियम ले लेते हैं तो ग्रेटेस्ट पावर वाले को लेते हैं हर एक फैक्टर से ठीक है और जब भी एस सी ले, ले लेते हैं तो स्मॉलेस्ट पावर वाले फैक्टर को चूज करते हैं तो हम लोगों ने क्या कर लिया है हम लोगों ने एस सी एफ तो निकाल लिया है अब हमको करवाना है वेरीफाई अब करवाना है वेरीफाई तो अब करवाते हैं वेरीफिकेशन क्या करवाते आते हैं वेरीफिकेशन तो वेरिफिकेशन में ना आप बोलोगे ना कि सबसे पहले ना आपको दिया जा रहा है ना कि ना एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ निकालिए तो सर एल सी एम बोलोगे सर एल सी एम है वन एटी टू और एच सी एफ है सर थर्टीन तो वन एटी टू का थर्टीन से मल्टीप्लाई करवाओगे तो बच्चे याद रखिए ना लाइन ड्रॉ करके ना यहीं पर मल्टीप्लाई करवाया करिए जो काम भी करते हैं कॉपी के पीछे से मत करवाया करिए आप लोग कॉपी के पीछे करवाते हैं कॉपी के पीछे नहीं करवाना सामने में करना है ना ताकि समझ में आए देखिए तो करवाते हैं मल्टीप्लाई वन एटी टू का मल्टीप्लाई करवाओगे थर्टीन के साथ तो थ्री टू जा सिक्स थ्री एट जै ट्वेंटी फोर कैरी टू थ्री वन जै थ्री एंड टू Next है हैन का मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पर? यहाँ पर अब आगे बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो बोलोगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो टू नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर ट्वेंटी सिक्स है नाइन्टी वन है तो लिखोगे कि ट्वेंटी सिक्स और नाइन्टी वन का मल्टीप्लाई करवाओ तो बोलोगे सर 26 सिक्स मल्टीप्लाई नाइनटी वन तो वन सिक्स तो 6, सिक्स वन टू जा टू नाइन सिक्स जो फिफ्टी फोर कैरी फाइव नाइन टू 18 एंड फाइव ट्वेंटी थ्री तो सिक्स सिक्स थ्री टू तो कितना आ गया इसको मल्टीप्लाई करने पर इसको टू थ्री सिक्स सिक्स आ गया तो बोलोगे ना सर इसको बोल दो क्वेश्चन वन इसको बोल दो क्वेश्चन टू तो बोलोगे कि बाय इक्वेशन एंड एंड इक्वेशन से आप बोल सकते हो ना इक्वेशन टू से एल सी एम मल्टीप्लाई सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यही क्या हो गया बच्चे आपका नंबर वेरीफाइड और वेरीफाइड हो गया और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है ठीक है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड ना यहां पर है फाइव हंड्रेड टेन और यहाँ पर है नाइन्टी टू दोनों का निकाल लेते हैं पहले हम लोग प्राइम फैक्ट्राइजेशन तो बोलोगे सर यहाँ पर है फाइव हंड्रेड टेन तो सर ये टू के टेबल में आता है सर टू टू जा फोर टू फाइव जा टेन, टू फाइव जा टेन फिर सर ये ना फाइव के टेबल में आएगा फाइव है ट्वेंटी फाइव फाइव वन जै फाइव फिर बोलोग थ्री के टेबल में आएगा थ्री वन जै थ्री थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन फिर सेवनटीन सेवनटीन के टेबल वन टाइम्स में फिर इसका भी निकाल लो एक ही साथ नाइन्टी टू टू के टेबल में टू फोर जाट टू सिक्स जै ट्व फिर टू के टेबल में टू टू जा फोर टू थ्री जा सिक्स फिर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री के टेबल में वन टाइम्स में ठीक है तो यहाँ पर आप बोलोगे सर फाइव हंड्रेड टेन क्या गया टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई सेवेंटीन और यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर आ गया टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री देखिए फर्दर सॉल्व हो सकता है ना यहाँ पर हो सकता है टू का पावर टू मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री तो देखिए बच्चे एलसीएम क्या आ जाएगा तो बोलोगे सर अभी आपने बताया ना कि एलसीएम में हम लोग सारे नंबर को लेते हैं लेकिन हम लोग उस फैक्टर को लेते हैं ना जिसका मैक्सिमम पावर हो तो बोलोगे सर यहाँ पर टू है यहाँ पर भी टू है तो सर यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है सर टू का पावर टू है तो हम लोग इस टू को नहीं लेंगे हम लोग इस टू को लेंगे आगे यहाँ पर फाइव है यहाँ पर फाइव नहीं है तो ले, लेना तो है ही तो यहाँ पर फाइव का पावर वन को लेंगे यहाँ पर थ्री है यहाँ पर थ्री नहीं है तो यहाँ पर थ्री का पावर वन को लेंगे यहाँ पर सेवेंटीन है यहाँ पर सेवेंटी नहीं है तो यहाँ पर सेवनटीन को लेंगे यहाँ पर ट्वेंटी थ्री है यहाँ पर ट्वेंटी थ्री नहीं है तो यहाँ पर ट्वेंटी थ्री को लेंगे अब टू का पावर टू होता है बच्चे फोर फोर फाइव का होता है बच्चे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जो होता है बच्चे सिक्सटी तो सिक्सटी का मल्टीप्लाई करवाओगे सेवेंटीन माइनस ट्वेंटी सेवनटीन मल्टीप्लाई ट्वेंटी थ्री से जब इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कराओगे ना बच्चे तो इन तीनों नंबर को करवाने पर आएगा बच्चे टू थ्री फोर सिक्स जीरो आएगा ठीक है तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करवाने पर ये आ गया बच्चे एलसीएम क्या आ गया ये एलसीएम आ गया अब एलसीएम सी एम बच्चे हम लोग निकालते हैं एचसीएफ क्या निकालते हैं एचसीएफ तो मैं बताया हूं एस सी में हम लोग लेते हैं कॉमन फैक्टर को किसको लेते हैं कॉमन फैक्टर को अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है बोलो सर यहाँ पर टू है सर यहाँ पर भी टू है सर सर इस टू को लीजिए अब टू को तो लेंगे लेकिन एचसीएफ में हम लोग सबसे कम पावर वाले को लेते हैं यहाँ पर पावर में वन है यहाँ पावर में टू है तो कम पावर कहाँ है कम पावर यहाँ पर है तो हम लोग टू का पावर वन को लेंगे मतलब कि एच क्या हो जाएगा बच्चे टू हो जाएगा अब करवाते हैं वेरीफिकेशन क्या करवाते हैं अब अब करवाते हैं वेरीफिकेशन तो बच्चे वेरीफिकेशन में ना पहला हम लोग निकालेंगे एल मल्टीप्लाई एच तो बच्चे एल क्या है एलसीएम है टू थ्री फोर सिक्स जीरो इसको अलग पेंसिल बनाना है इसको बनाना है उसी से आप लोग को अलग अलग शो हो इसलिए मैं अलग पेंसिल बना रहा हूँ ना एच एल था इतना एच है टू मल्टीप्लाई करवा दो दोस्तों जीरो को जीरो टू सिक्स कैरी वन फोर टू जै एट वन नाइन थ्री टू फोर ये आ गया बच्चे एल सी एफ सी एफ अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ पर नंबर्स क्या है बच्चे फाइव हंड्रेड टेन मल्टीप्लाई नाइनटी टू दोनों को करवाइए देखिए इतना ही आएगा एक बार कर लेते हैं तो बोलोगे सर फाइव हंड्रेड टेन का मल्टीप्लाई करवाइए नाइनटी टू से तो टू जीरो जीरो टू वन जो टू टू फाइव टेन आगे नाइन जीरो जीरो नाइन वन जो नाइन नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव तो जीरो टू नाइन सिक्स और फोर कितना ये इक्वेशन टू है, है तो बोलोगे कि बाय इक्वेशन वन एंड टू वन एंड टू से आप बोल सकते हो कि एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो बच्चे जब इतना आ गया तो आप बोलोगे कि हैंस वेरी और हेंस वेरीफाइड हो गया तो यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है ठीक है आई थिंक आप इतना समझ में आ गया होगा ने, नेक्स्ट नेक्स्ट सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड को तो देखिए बच्चे नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग क्या कहते हैं सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं तो बोलोगे सर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं ना एलसीएम नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन तो बोलोगे सर ये ना टू के टेबल में आता है टू वन जा टू टू सिक्स जा टू एट जा सिक्सटीन फिर अगेन टू के टेबल में टू एट जा सिक्सटीन टू फोर एट अगेन टू के टेबल में टू फोर एट टू टू जा फोर अगेन टू के टेबल में टू टू जा फोर टू वन जा टू फिर थ्री के टेबल में तो सेवन टाइम्स में फिर सेवन सेवन टेबल में वन टाइम्स में फिर ये टू के टेबल में टू टू जाोर टू सेवन जा फिर थ्री के टेबल में थ्री नाइन जा फिर थ्री के टेबल में थ्री थ्री जा फिर थ्री के टेबल में थ्री वन जा में आ गया होगा अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर और यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई सेवन ये फर्दर सिम्पलीफाई हो सकता है यहाँ पर टू पावर में वन 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 सब ऐड करके तो फोर हो जाएगा यहाँ पर थ्री मल्टीप्लाई सेवन यहाँ पर देखिए टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री तो यहाँ पर टू को टू लिख दिया और थ्री का पावर यहाँ पर थ्री अब देखिए बच्चे एल्शियम यहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को एल्शियम में हम लोग लेंगे सारे फैक्टर को सारे फैक्टर को लेंगे हम लोग सारे नंबर को सारे नंबर को लेंगे लेकिन 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 हम लोग मैक्सिमम पावर वाले को लेंगे ना तो टू का पावर यहाँ फोर है टू का पावर है यहाँ वन है तो हम लोग टू का पावर फोर को लेंगे समझ में आया होगा यहाँ यहाँ पर थ्री है यहाँ पर थ्री है, भी थ्री है यहाँ थ्री का पावर वन है थ्री का पावर थ्री है तो हम लोग थ्री का पावर थ्री वाले को लेंगे यहाँ पर सेवन है यहाँ सेवन है तो हम लोग सेवन वाले को लेंगे ठीक है ना सभी नंबर को ले लिए खत्म टू का पावर फोर होता है बच्चे सिक्सटीन थ्री का पावर थ्री होता है बच्चे ट्वेंटी सेवन और मल्टीप्लाई सेवन सिक्सटीन मल्टीप्लाई ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई सेवन जब आप जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चे तो आंसर तुम्हारा थ्री जीरो टू फोर आएगा कितना आएगा थ्री जीरो टू फोर और एच सी एफ ऐसे देखिए ऐसीियत में हम लोग उस नंबर को चूज करते हैं उस नंबर को चूज करते हैं जिसका जिसका पावर क्या हो सबसे कम हो सबसे कम हो तो सर बोलोगे सर यहां पर भी टू है यहां पर भी टू है तो सर इसमें से ना टू का पावर है सर यहां पर वन है यहाँ फोर है सर तो यहां पर पावर कम है सर इस टू को चूज करिए ठीक है यहाँ पर थ्री का पावर वन है थ्री का पावर थ्री है सर तो यहाँ पर ना थ्री को चूज करिए बोलोगे सर सेवन नहीं सर सेवन चूज नहीं करेंगे क्यों क्योंकि सेवन कॉमन नहीं है अगर दोनों में रहेगा तो तो हम लोग लेंगे उसको ठीक है ना तो यहाँ पर टू इंटू कितना आ गया सिक्स आ गया अब करवाते हैं वेरीफिकेशन क्या करवाते हैं अब अब करवाते हैं वेरी वेरिफिकेशन तो बच्चे देखिए ना वेरिफिकेशन में ना आप सिंपल सा बोलोगे ना कि हम लोग को करवाना है एलसीएम इन टू एच सी एफ एलसीएम क्या है बच्चे थ्री जीरो ट्वेल्व एंड टू फोर्टीन कैरी वन सिक्स जीरो जीरो और वन वन हो जाएगा सिक्स थ्री जै एटीन कितना गया इतना गया इसको बोल दो इक्वेशन नंबर वन फिर अब करवाते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स तो क्या है बच्चे ये है थ्री थ्री सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टी फोर करवाते हैं मल्टीप्लाई लिखिएगा यहाँ पर तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यहाँ पर थ्री थ्री सिक्स है मल्टीप्लाई फिफ्टी फोर है फोर सिक्स हजार ट्वेंटी फोर कैरी टू फोर थ्री हजार ट्वेल्व एंड टू फोर्टीन फोर कैरी वन फोर थ्री हजार ट्वेल्व एंड वन थर्टीन आगे फाइव सिक्स हजार थर्टी जीरो कैरी थ्री फाइव थ्री हार फिफ्टीन फिफ्टीन एंड थ्री एटीन कैरी वन फाइव थी फिफ्टीन एंड वन सिक्सटीन तो यहाँ पर फोर फोर एट प्लस थ्री इलेवन वन कैरी वन सिक्स सेवन एट और वन कितना आ गया वन एट वन फोर फोर आ गया यहाँ पर तो यहाँ पर आ गया वन एट वन फोर फोर ये हो गया इक्वेशन टू तो आप बोलोगे कि बाय इक्वेशन वन एंड टू इक्वेशन वन एंड टू से ना आप बोल सकते हो ना कि एल सी एफ इन एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और यही क्या है बच्चे जब इतना आ गया तो आप बोलोगे कि यही हो गया Hence, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है ठीक है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा तो बच्चे इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर लिया सॉल्व कर लिया है आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ आज नया सीखने को जरूर मिला होगा बच्चे आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और मेरा मेहनत अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू